तक जुमला 1,04,107 अफराद इस मर्ज से रूबसहित हुए। मरकजी वजारत खानदानी बहबूद ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड 19 के 9,304 केसेस सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में मुतासरीन की तादाद 2,16,919 हो गई है। मुल्क में कोरोना वायरस की वबा फूटने के बाद पहली मरतबा एक दिन में इतनी बड़ी तादाद में नए केसेस दर्ज किए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 260 अमवात दर्ज की गई। इस तरह महलुकीन की जुमला तादाद 6,075 हो गई। अमवात की शरह 2.8% है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1,39,485 नमूनों की जांच की गई। इस तरह अब तक मुल्क में जांचे गए नमूनों की तादाद 42,42,718 हो गई है। ICMR सरकारी और खानगी लेबॉरेटरीज की मंजूरी देते हुए टेस्टिंग की सहूलतों में मुसलसल तौसी कर रही है। वजारत सेहत ने बताया कि मुल्क में कोविड 19 के मरीजों के इलाज के लिए 992 दवाखाने दस्तियाब हैं। इन दवाखानों में 1,66,332 आइसोलेशन बेड्स, 21,393 ICU बेड्स और 72,762 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स फराहम किए गए हैं। तेलंगाना में कल शाम खत्म होने वाली 24 घंटों की मुद्दत के दौरान कोविड 19 के 129 नए केसेस सामने आए, जबकि 7 अफराद फौत हुए। इसके साथ ही मुतासरीन की जुमला तादाद 3,000 से तजावुज कर गई है, जबकि महलूकीन की तादाद 99 तक पहुंच गई है। इस दौरान महकमे सेहत ने बताया कि ICMR की मंजूरी के बाद 5 मरीजों का प्लाज्मा थेरापी के जरिए इलाज किया गया। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हदूद में 108 केसेस दर्ज हुए, जबकि रंगारेड्डी और आसिफाबाद अजला में 6-6 नए मामलात सामने आए। 2 मुहाजिर वर्कर्स भी पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा उस्मानी मेडिकल कॉलेज और निम्स के 20 से जायद अमले के अराकिन भी कोविड 19 से मुतासिर पाए गए हैं। इस दौरान निजाम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस निम्स पंजागुट्टा में कोरोना वायरस के मजीद 5 केसेस दर्ज किए गए हैं। इस तरह मुतासरीन की तादाद 12 तक पहुंच गई है। इस सूरत हाल के पेश नज़र निम्स बोर्ड ने एक हंगामी अजलास तलब किया है, जिसमें आउट पेशेंट खिदमात के बारे में फैसला किए जाने का इम्कान है। इस दौरान किंग कोटी हॉस्पिटल के अमले में सफाई का काम करने वाले 3 मुलाजिमीन पॉजिटिव पाए गए। इस वाक़े के बाद सफाई का काम करने वाले 70 मुलाजिमीन में खौफ का माहौल पैदा हो गया। कोरोना वायरस से मुतासर अफराद से रब्त में आने वालों को क्वारंटाइन कर दिया गया है और उनके टेस्ट किए जा रहे हैं। इस दौरान उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट तलबा में कोरोना वायरस के केसेस में मजीद इजाफा हुआ है। ये तादाद अब 44 तक पहुंच गई है। मुतासरीन को इलाज के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। इम्कान है कि मुतासरीन की तादाद में मजीद इजाफा होगा। डॉक्टरों ने आवाम को मशवरा दिया है कि वह सिर्फ हंगामी हालात में ही दवाखानों से रुजू हों। आवाम से यह भी कहा गया है कि वो फेस मास्क का इस्तेमाल करें और दूसरों से जिस्मानी दूरी बरकरार रखें। इस दौरान तेलंगाना हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस से फौत होने वाले मधुसूदन के बारे में रियासती हुकूमत से वजाहत तलब की है। अदालत ने हुकूमत से पूछा कि आया मधुसूदन की वाकई मौत हो गई है, और अगर ये सच है तो उसके ख़ानदान को उसकी इत्तला क्यों नहीं दी गई। हयात नगर के रहने वाले मधुसूदन 1 मई को कोरोना वायरस से चल बसे थे। इससे एक दिन कबल उनके वालिद का भी इसी मर्ज की वजह से इंतकाल हो गया था। मधुसूदन की मौत के 20 दिन बाद उनकी बीवी ने अपने शकों को शुभात का इजहार किया और रियासती वजीर केटी रामाराव से शिकायत की। इस खातून ने अहदेदारों से पूछा कि उसके शौहर का डेथ सर्टिफिकेट क्यों जारी नहीं किया गया। वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र ने वजाहत की थी कि कोरोना वायरस की वजह से मधुसूदन के ख़ानदान में ये दूसरी मौत थी और उसकी बीवी और बच्चों की हालत को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें इत्तला नहीं दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि हॉस्पिटल के हुक्काम नाश को मुर्दा खाने में महफूज रखने के मौक़ में नहीं थे। ताहम इस वजाहत से गैर मुतमईन माधवी ने हाईकोर्ट में एक अर्जी दायर करते हुए अपनी शौहर की मौत के बारे में वजाहत तलब की थी। इस मामले की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। आकाशवाणी हैदराबाद से खुसूसी बुलेटिन खत्म होता है।